दोस्तों फाइनली आईपीएल 2020 का सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब आईपीएल 2021 के लिए ऑक्शन की तैयारी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है और अब यहां पर क्रिकेट फैंस के मन में लगातार ये डाउट चल रहा है कि आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमें अपने स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है, यानी कि कौन कौन से प्लेयर्स को अपने ही स्क्वाड में रखने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की पूरी लिस्ट बताने वाले हैं और इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2021 में टोटल 9 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, तो नवी टीम के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां पर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नई टीम का कप्तान कौन सा प्लेयर रहने वाला है और इसके साथ ही इस टीम का पूरा स्क्वाड क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2020 के खत्म होने के बाद सभी टीमें ऑक्शन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी है और सभी टीम अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है। तो यहां पर हम बारी बारी से सभी टीमों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सभी टीमें कौन कौन से प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में रिटेन करने वाली है। तो इस लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सनराइजर हैदराबाद की टीम के बारे में। तो हैदराबाद की टीम अपने स्क्वाड में डेविड वार्नर, राशिद खान और इसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार, यानी कि इन तीनों प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। उसके बाद आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड के जरिए हैदराबाद की टीम मनीष पांडे और इसके साथ ही टी नटराजन को अपने स्क्वाड में रिटेन करने वाली है। ये टीम टी नटराजन को इसलिए रिटेन करेगी कि नटराजन एक ऐसे गेंदबाज है जो कि डेथ ओवर में 6 में से 5 गेंद यॉर्कर फेंक सकते हैं, तो इस वजह से यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन को हैदराबाद की टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली टीम के बारे में। तो ये है इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और केकेआर की टीम के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में बात करें तो ये टीम अपने कप्तान मॉर्गन को रिटेन करेगी। इसके साथ ही विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल और साथ ही साथ शुभमन गिल जैसे प्लेयर को, यानी कि इन तीनों प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड के जरिए नीतीश राणा और इसके साथ ही दिनेश कार्तिक को अपने स्क्वाड में फिर से शामिल कर लेगी, यानी कि इन पांचों प्लेयर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2021 में अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से शामिल करके रखना चाहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली टीम के बारे में। तो यह है स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम और आरआर के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में बात करें तो यह टीम रिटेन करने वाली है स्टीवन स्मिथ को। इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड के जरिए संजू सैमसन और इसके साथ ही जॉस बटलर जैसे प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से इंक्लूड कर सकती है, यानी कि आईपीएल 2021 में ये पांचों प्लेयर्स एक बार फिर से राजस्थान के स्क्वाड में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीम के बारे में। तो ये टीम है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ये टीम अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को किसी भी हालात में रिटेन कर लेगी। उसके बाद पर्पल कैप होल्डर कैगिसो रबाडा और साथ ही साथ विकेट कीपर ऋषभ पंत को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन करने वाली है। और इसके बाद आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड के जरिए ओपनर शिखर धवन और इसके साथ ही ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को आरटीएम कार्ड के जरिए अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से इंक्लूड कर लेगी, यानी कि आईपीएल 2021 में दिल्ली की टीम में ये पांचों प्लेयर्स खेलते हुए फिर से नजर आने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली टीम के बारे में। तो यह है प्रीति जिंटा की टीम, यानी कि किंग्स 11 पंजाब की टीम और पंजाब के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में बात करें तो यह टीम रिटेन करने वाली है कैप्टन केएल राहुल को, उसके बाद मयंक अग्रवाल को और साथ ही साथ मोहम्मद सामी को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। वही आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड के जरिए विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल और इसके साथ ही विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन को अपने स्क्वाड में पूरी
पूरी तरीके से इंक्लूड कर लेगी तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इन पांचों प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में आईपीएल 2021 में पूरी तरीके से रखना चाहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली टीम के बारे में, तो यह है एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई की टीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी हैरानी भरा फैसला देखने को मिला है, क्योंकि चेन्नई की टीम जिन प्लेयर्स को रिटेन करेगी उनका नाम होगा फाफ डुप्लेसिस, उसके बाद दीपक चहर और रविंद्र जडेजा को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आरटीएम कार्ड के बारे में, तो आरटीएम कार्ड के जरिए चेन्नई की टीम एमएस धोनी और सैम कुरन को अपने स्क्वाड में इंक्लूड करेगी। और एमएस धोनी खुद चाहते हैं कि वह आईपीएल 2021 के ऑक्शन का हिस्सा बने और वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादा रकम देकर के चेन्नई की टीम उनको रिटेन करे। तो इस वजह से धोनी की खुद की चाहत है कि वह एक बार फिर से ऑक्शन में चले जाए, क्योंकि अब मुश्किल से धोनी एक या दो सीजन आईपीएल का खेल पाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग एमएस धोनी कितना सीजन खेल पाएंगे, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली टीम के बारे में, तो यह है पांच बार की चैंपियन और इसके साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में बात करें तो ये टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करने वाली है कैप्टन रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा को किसी भी हालत में रिटेन कर लेगी। उसके बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। और किसी भी हालात में ये तीनों प्लेयर्स को मुंबई की टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करने वाली है। उसके बाद आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये टीम अपने स्क्वाड के सबसे पुराने खिलाड़ी यानी कि कैरन पोलार्ड को स्क्वाड में शामिल कर लेगी, और इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव को अपने स्क्वाड में पूरी तरीके से शामिल कर लेगी। तो ये दो प्लेयर्स को आरटीएम कार्ड के जरिए मुंबई की टीम अपने स्क्वाड में आईपीएल 2021 के लिए इंक्लूड करने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आखिरी टीम के बारे में, तो यह है आईपीएल इतिहास की सबसे चहेती टीम यानी कि मोस्ट पॉपुलर टीम और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। और आरसीबी के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ये टीम किसी भी हालात में विराट कोहली को रिटेन करने वाली है। उसके साथ ही विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और साथ ही साथ लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को अपने स्क्वाड में आईपीएल 2021 के लिए पूरी तरीके से रिटेन कर लेगी। आरटीएम कार्ड के बारे में बात करें तो आरटीएम कार्ड के जरिए क्रिस मॉरिस को अपने स्क्वाड में इंक्लूड करेगी, और हो सकता है कि क्रिस मॉरिस बहुत ही कम दाम में आरटीएम कार्ड के जरिए आरसीबी की टीम में एक बार फिर से आ जाए। और इसके साथ ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर देवदत्त पाडिकल को आरसीबी की टीम आरटीएम कार्ड के जरिए अपने स्क्वाड में इंक्लूड करने वाली है। तो फ्रेंड्स, यही थी आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की पूरी लिस्ट। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, यही थी सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की पूरी लिस्ट। अगर अभी तक आपने रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर से आप रिलीज प्लेयर्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें। और वीडियो एंड करें उससे पहले हम आपको आईपीएल 2021 के नई टीम के बारे में बता देते हैं। तो ये नई टीम इंक्लूड हो सकती है अहमदाबाद की, और इस टीम की कप्तानी कर सकते हैं सुरेश रैना, और ये लगभग ऑफिशियल तौर पर खबर पक्की है। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ये भी कोई फेक खबर नहीं है, पूरी तरीके से 100% कंफर्म न्यूज है कि इस साल आईपीएल 2021 में एक नई टीम इंक्लूड होती हुई नजर आ सकती है, और इस पर सिर्फ बीसीसीआई की मुहर लगना बाकी है। तो फ्रेंड्स, यही थी सभी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।